हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एनएससी की आंसर की आ चुकी है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसके अंदर कि जिनके आंसर इन्होंने गलत लगा रखे हैं और कुछ क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। तो किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, किस किस पे नहीं लगाना चाहिए, तो डिस्कस करते हैं और आइए वन बाई वन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दुर्गापुरा केसर इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ, तो इसके अंदर क्या जाएगा, वाटरमेलन आ जाएगा, तरबूज एकदम राइट आंसर इसका, ठीक है। प्रोटेनेशियस पार्ट ऑफ मेज एंडोस्पर्म इज, इसके अंदर एल्यूरल लेयर, सही आंसर है एकदम। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट ग्रो इन जायद सीजन, जायद सीजन में कौन सी नहीं होती, तो वो मस्टर्ड नहीं होती, एकदम राइट आंसर है। अब आता है सेलेक्ट द पेयर विच इज रॉन्गली मैच इन गिवन ऑप्शन। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, इसने बोल रखा है कि ऑक्सीकार्बोक्सिन, इसको बोल रखा है प्लांट वैक्स, जबकि ये बिल्कुल सही आंसर है। ये पूछ रहा है कि रॉन्गली मैच पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, तो इसने ये आंसर गलत लगा रखा है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना अनिवार्य है। ये आंसर गलत, इसका आंसर गलत बता रखा है, इसका आंसर ये कार्बोक्सिन वैलेंट, ये गलत आंसर है इसका, ठीक है। मतलब ये आंसर सही होगा, ठीक है, ये इसका आंसर ये होगा, और ये जो इसने आंसर दिया है वो गलत दिया है एकदम, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना आवश्यक है, इसके ऊपर दोस्तों ऑब्जेक्शन लगाना। क्योंकि दोस्तों देखो, कार्बोक्सिन है, कार्बोक्सिन किसका नाम है, ये वीटावैक्स का नाम है, ठीक है दोस्तों, किसका नाम है, वीटावैक्स का नाम है कार्बोक्सिन, तो ये ऑप्शन इसके अंदर गलत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पूसा मैजिस्टी द वेराइटी ऑफ, ये किसकी वेराइटी है, तो ये पपाया की वेराइटी है, एकदम सही है, पपाया की वेराइटी हो जाएगी ये। टोमेटो वेराइटी आर के एम टी इज इन्वॉल्व थ्रोट, तो ये एक्सरे से विकसित की गई थी, एकदम सही आंसर इसका, एक्सरे से विकसित की गई थी। विच ग्रुप ऑफ क्रॉप इज मोर सुटेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो बुंदेलखंड के रीजन के अंदर तो जैविक कृषि है ना, जैविक खेती के लिए कौन सा समूह इसके अंदर सही उपयुक्त है, ऑप्शन क्या है इसके अंदर, एक तो अनाज है मतलब सीरियल, तिलहन, पल्सेज, और इसके अंदर उपरोक्त सभी दे रखा है, तो इसका आंसर इन्होंने पल्सेज माना है, ठीक है दोस्तों, तो पल्सेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्सेज इसका आंसर होगा। फिर आता है बिहार का सबसे बड़ा, यानी कि विच ऑफ द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ना सबसे बड़ा फल उत्पादक जिला बोल रहा है, तो इसके अंदर मुजफ्फरपुर आ जाएगा, मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया इन ईयर 2023, तो इसके अंदर 23 के अनुसार से डाटा के अनुसार इसका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका। स्मट ऑफ मेजेस कॉज्ड बाई, स्मट ऑफ मेजेस किसके कारण होता है, अस्टिलागो मेडिस के कारण होता है, ठीक है दोस्तों, अस्टिलागो मेडिस के कारण इसका आंसर होता है, बिल्कुल सही आंसर एकदम। यानी ग्रास फैमिली कोटलीडोन्स आर कॉल्ड, तो इसको स्केटुलम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये सही आंसर है एकदम, स्केटुलम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर आता है फ्लावरिंग इन शुगर केन, जो फ्लावरिंग होती है शुगर केन के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरोइंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, एरोइंग बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर इसका, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे चलते हैं, विच वन इज इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप, अब इसमें ट्रैप क्रॉप पूछा है दोस्तों, तो ट्रैप क्रॉप इसके अंदर क्या हो जाएगा, लेडी फिंगर, भिंडी, ओकरा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसकी ट्रैप क्रॉप है, कॉटन की, ठीक है दोस्तों, कॉटन की ट्रैप क्रॉप है ये। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीज, तो एप्लीकेशन ऑफ पोटास किसको इंक्रीज करता है दोस्तों, डिजीज रेसिस्टेंट, ठीक है, डिजीज रेसिस्टेंट को बढ़ाता है ये, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा पोटास के लिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन टू इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी तो लेग्यूमिनेसी क्रॉप हो जाएगी, लेग्यूमिनेसी क्रॉप यानी कि ब्लैक ग्राम, इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा उड़द। विच सॉयल इज इन नॉन एज द सेल प्लॉट सॉयल इन इंडिया, सेल प्लॉट, तो इसके अंदर ब्लैक सॉइल आएगा दोस्तों, ब्लैक सॉइल जिसके जो कण होते हैं, जिनके जो पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल, बिल्कुल बारीक साइज होते हैं, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इसलिए सेल प्लॉट क्रॉप, सेल प्लॉट सॉइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर देखो इसके अंदर दोस्तों माइकोराइजा आएगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर माइकोराइजा सही आंसर है, बिल्कुल सही लगाया इन्होंने, माइकोराइजा आंसर आएगा इसका। ग्राम पॉड बोरर की फैमिली पूछी थी, तो इसके अंदर नोक्यूटिडी आ जाएगा, नोक्यूटिडी फैमिली बिल्कुल सही आंसर है, नोक्यूटिडी। फिर आता है नाइट्रोजन इज ट्रांसलोकेटेड इन टू द सीड मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन किस रूप में लेता है मेनली, तो एमिनो एसिड आएगा,
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसके अंदर ये सीड के अंदर पूछ रहा है, ठीक है, सीड के अंदर ना ट्रांसलोकेट होते हैं, तो एमिनो एसिड के रूप में, ये बिल्कुल सही आंसर है, इसका प्रोटीन नहीं होगा, ध्यान रखना इसके अंदर एमिनो एसिड ही आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज ऑफ द क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्विंग राइस वीट एंड क्या है फैलो वीट, ठीक है। तो देखो इसके अंदर देखो आंसर 150 दे रखा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 150 ही आएगा, 150 इसका राइट आंसर होगा। कैसे, देखो तीन क्रॉप हो गई, ठीक है, राइस वीट फैलो वीट ना, तीन क्रॉप हो गई, और इनका जो नंबर ऑफ ईयर हो गया एक ना, छः महीने ये। तो अब इसके अंदर देखो जो ईयर लेंगे ना पूरे हम, दो ईयर लेंगे इसके अंदर, ठीक है, दो ईयर लेने पड़ेंगे, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा 150 आंसर, ठीक है। तो इसका 150 आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे चलते हैं, पोलिनेशन इन बाई इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसके बोलते हैं एंटोमोफिली बोलते हैं इसके अंदर, तो ये सही हो जाएगा एकदम, एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली। अगला है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीड सर्टिफिकेशन, तो नाइन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द टेस्ट, बिल्कुल सही आंसर है, टेस्ट के बाद में 9 मंथ तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, तो एकदम बिल्कुल राइट आंसर है ये। कलेक्टोट्राइकम फैल्कटम प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है दोस्तों, क्यों कोनिडियोस्पोर, सही आंसर है एकदम, कोनिडियोस्पोर आएगा इसका आंसर, है ना, कोनिडियोस्पोर सही आंसर है। इसके बाद में आता है विच ऑफ दिस प्लांट कंटेंस नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया, तो इसके अंदर लेग्यूमिनेसी क्रॉप कहा जाएगा, ये ग्राम इसका सही आंसर है एकदम। द फॉलोइंग आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेपेवरम सोमनीफेरम, देखो पेपेवर सोमनीफेरम में क्या पाया जाता है मेनली, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, द कोडीन पाया जाता है, ठीक है, और एक पेपेवेरिन पाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये 2 और 3 वाला हो जाएगा, 2 और 3, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एन एल्बुमिनियस सीड शोइंग हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है, देखो हाइपोजियल जर्मिनेशन पूछ रहा है, लेकिन एल्बुमिन सीड के अंदर, ठीक है, मतलब जो एल्बुमिन सीड है जो हाइपोजियल जर्मिनेशन दर्शाता हो, तो इसके अंदर क्या जाएगा, मेज आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना, पल्मारोसा कम्स अंडर द फैमिली, देखो पल्मारोसा किस फैमिली में आता है, ये आता है किसमें, पोएसी के अंदर आता है, ठीक है, तो पोएसी, देखो इसके अंदर घास बोल देते ना यहाँ पे हिंदी में, तो इससे भी आप थोड़ा पहचान सकते थे। व्हाट इज दैट वाइल्ड स्पीसीज ऑफ शुगर केन, एक तो स्पेंटोनियम और एक रोबस्टम, तो यहाँ पर रोबस्टम दिया हुआ है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ धतूरा प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज लेवल, तो इंक्रीज लेवल के अनुसार देखो, पहले तो लीफ में, फिर रूट के अंदर, फिर फ्रूट के अंदर, और फिर सीड्स के अंदर। फिर आता है वीवीपैरी क्या होता है, देखो वीवीपैरी क्या होता है, सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट वाइल इट अटैच टू द प्लांट, ठीक है, मतलब कि देखो पौधे से जुड़े रहने के दौरान फलों के अंदर बीज का अंकुरण, यानी कि पौधे जो सीड है ना, मतलब पौधे से जुड़ा हुआ है क्या सीड ऑलरेडी, और उस सीड का क्या हो गया, उसके अंदर जर्मिनेशन हो गया, तो उसको बोलता है वीवीपैरी, ठीक है, वीवीपैरी बोल रहा है। फिर आता है विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया, देखो दोस्तों अब इसके अंदर जो एस्टिमेट डाटा था, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट और सेकेंड एडवांस एस्टिमेट, इसके अंदर जो डाटा था उसके अनुसार इसका आंसर केरल होना चाहिए था, इसका आंसर क्या होना चाहिए था, केरल, लेकिन वो क्या था, ओनली एस्टिमेट था, एक्चुअल डाटा क्या बोलता है, एक्चुअल डाटा इसके अंदर कर्नाटक ही बोलता है, एक्चुअल डाटा के अनुसार कर्नाटक इसका आंसर है, लेकिन एस्टिमेट जो बता रहा है एस्टिमेट वो केरल है, तो इसके अंदर जो ऑथेंटिक सोर्स है उसके अंदर उसके अनुसार इसका आंसर केरला ही होगा, केरला क्यों होगा, क्योंकि ये तो एस्टिमेट के अनुसार है ना, ये तो एस्टिमेट है ओनली, और इसने यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये एड देता दिया होता कि सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड एडवांस एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट इस तरीके से दिया होता, तो इसका आंसर कन्फर्म केरला होता, लेकिन अब इसने एडवांस एस्टिमेट तो दिया ही नहीं, इसने डायरेक्ट डाटा पूछा, तो इसके अनुसार इसका आंसर कर्नाटक ही होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है।
करता है साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर, तो इसका सनफ्लावर का नाम हेलियंथस एनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सही आंसर है एकदम इसका। फिर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ब्लैक स्क्रफ ऑफ पोटेटो, तो ब्लैक स्क्रफ ऑफ पोटेटो क्या होगा, राइजेक्टोनिया सोलेनी हो जाएगा, तो इसका आंसर ये सी हो जाएगा, राइजेक्टोनिया सोलेनी हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है बेस्ट सीजन ऑफ पोटेटो कल्टिवेशन, तो इसके अंदर बेस्ट सीजन हो जाएगा रवि। ठीक है, तो रवि क्रॉप होती है ना ये पोटेटो, तो ये रवि हो जाएगा इसके अंदर। इफ़ फार्मर प्रैक्टिसेस शुगर केन वीट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी एट हिज फार्म विल बी, देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये रॉन्ग दे रखा है, इसके अंदर 200 आंसर नहीं आएगा, इसके अंदर 100 आंसर आएगा। किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। शुगर केन, अब आप इसको 8 साली लो, 1 साली लो, कैसे भी लो, अगर मैं इसको एक ईयर कंसिडर करता हूँ, कम से कम एक ईयर कंसिडर करता हूँ, और इसको 6 महीने कंसिडर करता हूँ मैं, ठीक है, कम से कम मतलब एक हिसाब से बता रहा हूँ नॉर्मली, तो ये दोनों टोटल मिला के एक तरीके से ये कितना हो गया, 2 ईयर की बात हो गई। ठीक है, तो 2 ईयर हो गया और 2 ही क्रॉप हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रॉप कितनी हो गई, 2, नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 100 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 100 आएगा, इसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाना है, इसका आंसर 200 नहीं होगा, 200 इसका गलत आंसर है, ये ऑब्जेक्शन लगाना है इसके अंदर सभी विद्यार्थी, इसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाना सब स्टूडेंट, इसके अंदर 100 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 100 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। इस सब गोल फैमिली क्या होती है, प्लांटेजिनेसी बिल्कुल सही आंसर इसका, प्लांटेजिनेसी आ जाएगा सब गोल फैमिली। सर्टिफिकेशन टैग कलर स्टेज टू हो या फिर 1 हो, दोनों के अंदर वाइट कलर ही आएगा। ठीक है, वाइट कलर इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द क्रॉप इन रिच द नाइट्रोजन कॉन्टेंट इन द सोयल, तो वही लेग्यूमिनेसी क्रॉप, तो इसका मटर आंसर हो जाएगा, मटर पी आंसर हो जाएगा इसका। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए पल्स फोडर एंड ग्रीन मैन्योर क्रॉप, देखो इसका आंसर जो पी है ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, देखो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी किसकी, जो अपन स्ट्रॉन्ग आंसर अगर देखा जाए तो मान लो चलो एक पी को तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप में यूज करते ही नहीं है, फिर भी एक मान के चलते चलो करते हैं तो, लेकिन जो काउपी इसका आंसर बेस्ट आंसर का काउपी होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इसकी, क्योंकि इसको मेनली यूज किया जाता है, इसको ग्रीन मैन्योर के रूप में भी, फोडर के रूप में भी, और पल्स के रूप में, तीनों के रूप में यूज लिया जाता है काउपी को। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्शन लगाना है, इसका आंसर पी नहीं होगा, इसका आंसर काउपी होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रबल आंसर नहीं है इसका ये डोमिनेट नहीं करता, डोमिनेट क्या कौन करता है, काउपी डोमिनेट करता है इसके अंदर, तो काउपी इसके अंदर मेनली आंसर होगा, तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्शन लगाना है दोस्तों। ठीक है, सबके सब इसके अंदर भी ऑब्जेक्शन लगाना। फिर आता है बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास, तो लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम क्या होगा, है ना, सिम्बोपोगान फ्लेक्सोसस। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर इसका। फिर आता है विच पैथोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चारकोल रोट ऑफ सोयाबीन, तो इसका मैक्रोसीपियम इसका आंसर होगा, मैक्रोसीपियम ना, है ना, फेजियल नीला। ठीक है, अब आता है सीड जर्मिनेशन द फर्स्ट फिनोमेना टेक प्लेस, तो देखो सीड जर्मिनेशन जब होता है तो सीड जर्मिनेशन में मेनली क्या होता है, इम्बाइबेशन होता है। ठीक है, अंतःचूषण होता है इसके अंदर। ठीक है, इसका विचरण आंसर नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। द स्टडी ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिपेंडेंट ब्रांच इज नोन एज, तो बस इसने क्या है सॉइल की पैडोलॉजी की डेफिनेशन पूछी, तो इसका आंसर पैडोलॉजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप वॉ मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल, ठीक है, तो सीरियल के लिए तो मेनली ये एलिवेल सॉइल हो जाएगी ना, सीरियल क्रॉप के लिए। तो विच स्टेज हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फनग्रिक ऑफ इंडिया, फनग्रिक के लिए आ जाएगा क्या, राजस्थान आ जाएगा, ये बहुत सालों से राजस्थानी चल रहा है। चिन्नोपोडी ऐसी फैमिली किसकी होती है, स्पंज की, है ना, पालक की फैमिली होती है स्पंज की, है ना, फैमिली पूछी थी मिंट की, मिंट किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो लेमियासी इसकी फैमिली होगी, कौन सी, लेमियासी इसकी फैमिली हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आके हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों काम आएगा, जिससे ऑक्सीजन बनेगी और कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर बन जाता है। राइपनिंग ऑफ शुगर कैन इज इनहेंस्ड बाई, तो शुगर कैन का राइपनिंग, हाँ देखो इसका आंसर ये गलत दे रखा है दोस्तों, इसका आंसर देखो इससे होता है, मानता हूँ इससे भी होता है, लेकिन इसके अंदर पोलर इससे भी होता है, इथेरियल से भी होता है। ठीक है, ये तीनों आंसर इसके अंदर सही है, इसका आंसर इसकी जगह क्या होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डिलीट होएगा, तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्शन लगाना है कि ये तीनों आंसर ही सही है इसके अंदर, क्योंकि पोलर इसका भी यूज किया जाता है, इथेरियल का भी यूज किया जाता है, और सोडियम
मेटा सिलिकेट का भी यूज किया जाता है, तो तीनों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सबको ऑब्जेक्शन लगाना है, इसके अंदर भी ध्यान रखना, इसके अंदर ही सबको ऑब्जेक्शन लगाना है। विविल की फैमिली कौन सी होती है? विविल की कुरकुलिनिडी ऐसी होती है, ठीक है दोस्तों, कुरकुलिनिडी। टॉक्सिक ऑल्कलॉइड फाउंड इन लीफ, तो इसके अंदर तो ये सोरगम की क्रॉप के अंदर HCN पाया जाता है, HCN, ठीक है दोस्तों, HCN पाया जाता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइकोटिलेडोन सीड, ठीक है, तो इसके अंदर क्या जाएगा, मेज आ जाएगा। विच प्रोसेस शेयर द सेम पाथवे एज ग्लाइकोसिस बट अपोजिट डायरेक्शन। देखो ग्लाइकोसिस के अपोजिट डायरेक्शन पूछी है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा इसका, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा इसका आंसर ये। पिक इसके अंदर पूछ रहा है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो देखो इसका सही आंसर दे रखा है एकदम, जो लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर रूट्स, ना रूट्स के अंदर ही वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। द डिस्कवर ऑफ डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू को डिस्कवर ईजे बटलर ने किया था, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, डाउनी मिल्ड्यू का। आगे चलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ एंथर स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नॉन एज, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, गाइटोनोगेमी हो जाएगा, ठीक है, गाइटोनोगेमी हो जाएगा, संपादवी इतर परागण, इसका हिंदी नाम देखो, संपादवी इतर परागण, तो देखो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट इज द जीनेसिस, व्हाट आर द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस ऑफ वीट, तो नॉरिंटन इसका आंसर हो जाएगा ना, नॉरिंटन इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विच हारमोन इज स्टमुलेट्स ग्लाइकोलाइसिस, तो इसके अंदर इंसुलिन आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंसुलिन आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस को स्टमुलेट करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, लीची का एडिबल पार्ट क्या आ जाएगा इसके अंदर, पेरिक फ्लैसियरियल आएगा, फ्लैसियरियल है ना, फ्लैसियरियल आएगा, ठीक है, एडिबल पार्ट लीची का। दस ए सिंपल वन सीडेड फ्रूट विथ पेरिकार्प फ्यूज विथ द सीड कोट इज नॉन एज, तो कैरियोप्सिस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीज आवरण से जुड़े बीज कोष वाले एक साधारण बीज वाले फल को क्या कहते हैं, तो बीज आवरण से जुड़ा कैरियोप्सिस होता है, ठीक है। खैरा डिजीज के अंदर किसको किससे कंट्रोल करेंगे, जिंक सल्फेट से करेंगे, बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि खैरा डिजीज किससे होती है, जिंक डेफिशिएंसी से होती है। प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ इज, तो एक इसके अंदर मोनोकार्पिक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मोनोकार्पिक बिल्कुल वंस इन लाइफ। तो अगर टी जेड टेस्ट एंड टेट्राजोलियम किस के लिए करते हैं, वियाबिलिटी ऑफ सीड, वियाबिलिटी ऑफ सीड के लिए करते हैं, तो वियाबिलिटी आ जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑप्टिमम इज यूज ऑन कफ सिरप, कफ सिरप के, देखो दोस्तों इसके अंदर देखो, इसके अंदर पहली बात तो इसके अंदर जो आंसर ना मैं इसमें देखा जाए तो कोडिन इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन मॉर्फिन भी कफ सिरप में यूज आता है, मॉर्फिन भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग आंसर देखा जाए ना, स्ट्रॉन्ग आंसर इसका कोडिन हो जाएगा, फिर भी इसके अंदर एक बार ऑब्जेक्शन लगा देना, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये भी होगा तो ये या तो डिलीट होगा या फिर इसका आंसर ये होगा, तो मेनली इसके अंदर तो कोड ही नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग तो इसके अंदर आंसर कोड ही नहीं है ना, तो कोड ही नहीं आएगा इसके अंदर, लेकिन ये भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी रखता है थोड़ा, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर अपने हिसाब से ऑब्जेक्शन लगा देना, लेकिन मेनली आंसर कोड ही नहीं होगा। नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन, तो इसके अंदर देखो नंबर ऑफ न्यूक्ली तीन होता है, ठीक है, तीन होते हैं, बिल्कुल सही आंसर, इसके अंदर दो या फिर एक नहीं होगा इसके अंदर ना, नंबर तीन ही होते हैं, ठीक है। द सर्टिफिकेशन टैग फाउंडेशन सीड स्टेज वन, तो इसके अंदर वही वाइट इसका आंसर आ जाएगा। वैन नेशनल सीड कॉरपोरेशन किसने पूछी थी, स्थापना कब हुई थी, तो इसके मार्च 1963 के अंदर हुई थी, ठीक है। हेक्सोकाइनेज के अंदर कौन सा एक्सोकाइनेज डिपेंड एंजाइम कौन सा एंजाइम ना, तो ये किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर डिपेंड होता है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड नहीं होता, कौन सा नहीं होता रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकलता है ना इसके अंदर, ठीक है, तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज सोयल, तो इसके अंदर देखो मेनली बैक्टीरिया काम आता है, ध्यान रखना ये क्या है, इससे क्या होगा, देखो कुछ लोगों को लगता है कि इसके अंदर फंगी आंसर आएगा, लेकिन ना देखो इसके अंदर जो सबसे पहला आंसर क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ही सबसे पहले डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को ना, तो इसका आंसर बैक्टीरिया होगा, ठीक है। द करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो करंट के अंदर देखो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन रहेगा, इसमें अर्जुन मुंडा आ जाएगा, ठीक है, करंट के अंदर देखो करंट का ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर अर्जुन मुंडा आंसर होगा इसका।
ठीक है, ए करैक्टर दैट इज रेज एंड स्मॉलर अबाउट द बेसलिन बेसलाइन सॉरी बेसलाइन इज नॉन है। तो इसके अंदर देखो क्या जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सही आंसर है एकदम। एंटोनिम, अब देखो दूसरा पार्ट आ गया ना, तो इसके अंदर एंटोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसके अंदर, नोवाइस हो जाएगा इसका, सॉरी नोवाइस का एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सपर्ट आ जाएगा ना। तो ये सब तो क्या है, ये फाइट लर्नर बिगनर, ये तो नोवाइस के सिनोनिम्स है, ठीक है, ये एक्सपर्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर आएगा थीसोरियस टूल इज इन एमएस वर्ड इज यूज फॉर, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, सिनोनिम्स के लिए और एंटोनिम्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करंट कैबिनेट मिनिस्टर पूछा था इसके अंदर किसका, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या जाएगा, पशुपति पारस आ जाएंगे इसके अंदर आंसर, पशुपति पारस, ठीक है। और पूछा था इसके अंदर वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा, तो इसके अंदर मीरा कुमार आएगा, ठीक है दोस्तों, मीरा कुमार इसके अंदर आंसर आ जाएगा। दिस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज, तो इसके अंदर जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये विटामिन से होती है, ठीक है, तो इसके अंदर ये विटामिन आंसर आ जाएगा, ये नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो ये प्रश्न आया था इसके अंदर, ए ट्रेन फॉर भोपाल लीव्स एवरी टू एंड ए हाफ आवर टू आगरा स्टेशन एन अनाउंसमेंट वाज देन मेड, देखो इसके अंदर आंसर डायरेक्ट ना क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो इसके अंदर इनमें से कोई भी आंसर कोई भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसके अंदर, देखो बताता हूँ आपको। इसके अंदर पूछ रहा है कि ना ये आगरा रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है, पहली बात तो ना आगरा भोपाल रेलवे स्टेशन से होती है और फिर ये आगरा रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लखनऊ का जिक्र कर रहा है इसके अंदर ना। देखो अगर आगरा रेलवे स्टेशन से 2.5 घंटे में भोपाल के लिए रवाना होती है, आगरा से रवाना हो रही है भोपाल के लिए, और ट्रेन स्टेशन में उद्घोषणा किया गया कि लखनऊ के लिए ट्रेन 40 मिनट पहले निकल चुकी है, तो लखनऊ के लिए निकली है, तो इससे तो इसका कोई लिंक ही नहीं है कि आगरा और भोपाल का, तो इसलिए मेरे से कोई नहीं आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। वे विच दिए गए विकल्प है ना, इसके अंदर पूछे क्वेश्चन डायरेक्ट संबंध पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प क्या कीजिए, जो सही जो प्रश्न को प्रश्न चिन्ह का स्थान लगेगा, ठीक है। देखो अनानास संतरा और फ्लोरिडा पूछ रहा है, और अनानास के क्वेश्चन लगा रखा है, तो इसके अंदर क्या आंसर होगा दोस्तों, अनानास को इसको ने हवाई से रिलेट किया है, ठीक है दोस्तों। अगर इसका किसी को लॉजिक पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके, तो इसका हवाई आंसर हो जाएगा, बाकी इसका जो लॉजिक होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिसको भी पता हो। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, तो इसके अंदर पंकज त्रिपाठी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पंकज त्रिपाठी। व्हेन टू सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, देखो दोस्तों कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है, कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट देखो इसके अंदर कैसे लगाया गया है, इसमें चार आंसर होगा, वो कैसे होगा, देखो एक इसके अंदर इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है। अब एक तो देखो इसके अंदर कॉमन टेंजेंट ये हो गया, इसको इस तरीके से मान के चलो, एक कॉमन टेंजेंट होगा इसका इस तरीके से, ऐसे टच मान के चलना इसको, देखो दोस्तों, ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से हो जाएगा, एक कॉमन टेंजेंट इसमें हो जाएगा इस तरीके से, तो चार कॉमन टेंजेंट हो गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चार आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो इफ इसका जो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:1 आएगा, किस तरीके से आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 3x-y है, और ये तो 3x-y है, x-y, ठीक है, अपॉन x plus 5y बराबर 5/7, इस तरीके से, तो इसके अंदर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×21 हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या होगा, देखो इसके अंदर 16x = 32y आएगा, तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू 2 जाएगी और y की वैल्यू क्या जाएगी, इसके अंदर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, x + y और x - y का रेशियो, तो x + y कितना हो जाएगा, x + y कितना हो जाएगा, इसके अंदर 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2+1 3 हो जाएगा, और x - y कितना हो जाएगा, इसके अंदर 1 हो जाएगा, तो ये दोनों 3:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर 3:1 हो जाएगा। फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम फॉलो ऑप्शन विच डिवाइडेड 200 और 320 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा, इसके अंदर HCF पूछा, तो HCF निकालने की एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, HCF किस तरीके से आप निकालोगे, इसके अंदर देख लो एक बार,
तो इसके अंदर क्या क्या है, 200 है एक तो, और एक इसके अंदर 320 है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप डिवाइड करके इसे 10 से डिवाइड कर दो चाहे, तो इसके अंदर आ जाएगा 20 और एक आ जाएगा 32, और इस फिर 4 से डिवाइड कर दो तो इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा कितना, 8। अब ये दोनों किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं सकते, तो अब जितने कॉमन नंबर से डिवाइड होता है ये, जितने भी कॉमन नंबर से डिवाइड होगा तो ये तो आ जाएगा 10 × 4, तो इसके आंसर आ जाएगा 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक डिवाइड हो, अगर देखो ये तो हो जाएगा HCF, और अगर LCM निकालना हो तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा LCM, ठीक है। तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। यदि किसी कोड को भाषा में अजय को एक ये लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, तो इसके अंदर आंसर ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। लेटर, ईमेल और टेलीफोन आर एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, चैनल के, यानी चैनल के एग्जांपल, ठीक है, चैनल के एग्जांपल है, 4 जाना, पत्र, ईमेल और टेलीफोन संचार, ये सब चैनल है। MS वर्ड प्रोसेसिंग, अगर F8 को 3 बार इसके अंदर वो करेंगे अपन, 3 बार अगर प्रेस करते हैं तो क्या होगा, एक वाक्य सेलेक्ट होगा पूरा, एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा, ठीक है, एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा पूरा। फिर आता है ना भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, ये कहाँ पे भोरमदेव, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है दोस्तों, ठीक है, ये लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ के अंदर है। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, तो ये तिरुवनंतपुरम के अंदर खोली गई है, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज गिवन रिसेंटली द स्टेटस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये NCERT के लिए, ठीक है, NCERT के लिए सही है एकदम आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट फिल्म ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन, देखो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बेस्ट फिल्म जो कि 69th फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर, तो इसके अंदर क्या आएगा, अवास्यूएम, ठीक है, ये इसकी ये फिल्म थी एनवायरमेंट कंजर्वेशन के हिसाब से देखना इसके अंदर ना, तो बिल्कुल सही आंसर है। देखो इसके अंदर यदि हवा को पानी, और लास्ट में क्या पूछ रहा है, इसके अंदर मछली को मछली किस में रहती है, मछली पानी में रहती है, और पानी को क्या बोल रहा है, पानी को हरा बोल रहा है, तो एक ग्रीन इसका आंसर आ जाएगा, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन इसका आंसर हो जाएगा। आगे इसके अंदर कंप्लीट करो तो इसके अंदर GGMP बिल्कुल सही आंसर है इसके अंदर ना, इसको देख लेना इसके अंदर मिला के, ये एक छोड़ के मतलब जैसे ई के अंदर एक प्लस किया, फिर इसके अंदर 2+ किया, फिर 3+ किया, इसमें 4+ किया, फिर इस तरीके से इसके अंदर भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला पूछ रहा है इसके अंदर आइडियम्स पूछ रहा है, टू कीप एट द आर्म लेंथ, तो इसके अंदर ना यानी कि एक हाथ दूर रहो इस तरीके से, तो इसके अंदर ये टू कीप अवे इसका आंसर आएगा, टू कीप अवे यानी कि दूर रहो इस टाइप में, टू मतलब जो किसी को एक तरह से नेगलेक्ट करना या फिर अवॉइड करना ना, तो उसके अंदर कीप अवे इसका आंसर आ जाएगा। द वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे ये 11 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा, करंट का क्वेश्चन है, तो ये अभी ये 11 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, 2024 के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाएगा ना, तो 11 जून इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंस, वन ओवर वर्क इज बाउंड टू योर हेल्थ, तो इसके अंदर अफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, अफेक्ट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चूज मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू मेक प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है, तो इट इज आई ब्लैंक यू, तो इसके अंदर विल, ठीक है, विल हेल्पिंग इसका आंसर आ जाएगा, विल हेल्पिंग इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ए पर्सन वो रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, ठीक है, किसी अदर का ओपिनियन नहीं लेता, तो इसमें क्या जाएगा, इसके अंदर तानाशाही, ऑटोक्रेट्स, ठीक है, तानाशाही जो होता है ना, वो किसी का ओपिनियन नहीं लेता, वो खुद के अनुसार ही चलता है सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो इसके अंदर आ जाएगा GB है ना, GB बिगेस्ट यूनिट है, ठीक है, GB। इसके अंदर आता है लुप्त संख्या पूछ रहा है, तो इसके अंदर देखो 2 का गैप, इसके अंदर 4 का गैप, इसके अंदर 8 का गैप, इस तरीके से ऐसे करते करते यहाँ पे किसका गैप आ जाएगा, यहाँ पे 64 का लगभग गैप आएगा इसके अंदर, ठीक है तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, 255, मतलब निकाल लेना इसका आंसर, 255 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, 255 इसका 255 राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज नॉन फॉर द कैप कैमोरिन के लिए कन्याकुमारी जाना जाता है, देखा, कैप कैमोरिन जाना जाता है इसके अंदर, तो ये पूरे इसका आंसर हो गए। तो मैंने इसके अंदर बताया जिन क्वेश्चन के अंदर आप इसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाना, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ क्वेश्चन जिसके ऊपर मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन होना चाहिए वो मैंने बता दिया, और आपको लगता है कि इसके अंदर कि मैंने नहीं बताया या फिर कोई आंसर मैंने गलत बताया, तो आप कमेंट पर उसे कमेंट कीजिए, ठीक है, और ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके
और इसके अंदर ऑब्जेक्शन, जिसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाना है, किसके अंदर नहीं लगाना, ठीक है दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के रिजल्ट के लिए, धन्यवाद।